दोस्तों देख सकते हैं मैनपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई लोग ट्रेन आ चुकी है, अभी हम लोग सारे देख रहे हैं और चलते हैं भाई ट्रेन में और जर्नी दिखाएंगे भाई। जब भाई सामने दिख रही होगी ट्रेन WAP-4 के साथ आई है। भाई इस ट्रेन चलो भाई फाइनली डिपार्चर हो गया अपना, चलते हैं देखो। दोस्तों देख सकते हैं मैनपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो भाई थोड़ी देर में ट्रेन आएगी, पानी पी लेते हैं पहले। ये देखो भाई पानी पी रहे हैं सारे लोग। और तो देखो भाई गर्मी में हम लोग निकल चुके हैं। तुम बताओ भाई कैसा लग रहा है तुमको? बढ़िया लग रहा है। क्रिश भाई बता दे। बहुत बढ़िया, दर्शन करेंगे आज, एक मंगल है, एक तो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। देखते हैं भाई जर्नी एंड तक। देख सकते हो भाई क्या क्राउड, देखो भाई क्राउड देख रहे हो, ये ट्रेन का क्राउड है सारा। ये देखो भाई अपनी वाली का 30 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है अपनी, और बने रहेंगे भाई, फिर वीडियो में बने रहना लास्ट तक देखेंगे। कितने किलोमीटर की जर्नी? 30 किलोमीटर। तो भाई लोग ट्रेन आ चुकी है, अभी हम लोग सारे देख रहे हैं और चलते हैं भाई ट्रेन में और जर्नी दिखाएंगे भाई। जगह देखते मिलती है नहीं? मिलती नहीं है, मिलेगी मिलेगी भाई साहब। टोल भाई साहब एंटर ले रही है। चलो भाई आते हैं, अराइवल दिखाते हैं इसका WAP-4 के साथ। भाई क्राउड देखो एक बार, वो सही है। देखो भाई क्राउड, अरे क्राउड की चोर पहले बाद में कल यू क्राउड देखो। रास्ते में कोई नहीं बैठता भाई साहब, चढ़े जब तक जाता भाई। आंटी बड़ो 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 बड़ो, आराम से आराम से आराम से, अरे आराम से रुक जा रुक जा, लेडीज है भाई ये। चलो भाई डिपार्चर होने वाला है, अभी चलते हैं तब दिखाते हैं आपको। तो भाई थोड़ी देर में रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है मैनपुरी जंक्शन से। पकड़ा खड़े आराम खड़े तुम तो पकड़ा
आया बेटा इधर ही सही हाँ गोदी माल पे लगा भाई चल चुकी है ट्रेन दोनों लोग अपने जगह खड़े हैं सामने हॉन्गकॉन्ग स्टॉप मैनपुरी कचहरी चलो भाई मैनपुरी कचहरी से भी निकल चुकी है गाड़ी अगला स्टॉप भोगांव है चलो भाई दिखाते हैं भाई दूसरा स्टॉप भोगांव आयो उतर आओ क्रॉसिंग होगी इधर देखो भाई क्राउड भोगांव का भोगांव बहुत देर रुकेगी अब क्राउड होगा इधर बहुत ज़्यादा है इधर क्राउड देखते हैं भाई कब तक भाई लोग गर्मी में हालत ख़राब है और अभी ट्रेन चली नहीं है अपनी
देखते हैं भाई, मोटा क्रॉस होगी अभी, पता नहीं भोगाव होगी या मोटा क्रॉस। गर्मी में आ रहा है क्या बच गया दोस्तों। अभी हम लोग खड़े हैं, ट्रेन नहीं चली है भाई, इस ट्रेन की वजह से रोका गया था हमको। चलो भाई फाइनली डिपार्चर हो चुका है अपना, चलते हैं। गाड़ी चल चुकी है, जो देखो पैसेंजर रह गए। चलो भाई टाइम पे चल, 50 मिनट डिले के साथ चली है गाड़ी। तो भाई बोल रहा है पास था, मोटा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर।
वैभव लक्ष्मण दास पुरी वाले तेरे स्कूल हमें ऐसे जान था तेरे संगे देखो एक जान थे और पर बोले वो और ये जगह नहीं मिली ऊपर बैठा तो भाई साहब जगह मिलेगी क्या कहना है स्टॉप तो आयो सही है बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम एकदम कंफर्टेबल चलो अगला स्टेशन हमारा ही है ट्रेन दिया भीड़ देखो भाई देखो भाई नीम करोरी की भीड़ देखो भाई झटका झटके लग रहे हैं जल्दी चलो 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 देखो भाई क्राउड ये देखो भाई भीड़ का आलम अरे रुक तो लेडीज भाई पहुंच चुके हैं बाबा लक्ष्मण दास पुरी फाइनली अब दर्शन करते हैं जल्दी चलते हैं इधर से ये देखो भाई ट्रेन क्राउड ये देखो क्राउड आजा आजा पहुंच गए ये देखो भाई साइकिल वाइकिल सब लगा के रख रही है गाड़ी में भाई साहब देखो भीड़ ये देखो बाबा लक्ष्मण दास पुरी की भीड़ ये देखो भाई ट्रेन में भीड़ का थक गए भाई बहुत फाइनली आ गए चलो जोर से बोलो बाबा नीम करोरी की चलो भाई चलो हो जाए ये देखो भाई ये देखो बैग बैग सब लटके हैं ये देखो ये देखो गार्ड साहब ये देखो भाई साहब वो देखो लाइन लग के जा रही पूरी चलो भाई ट्रेन ने बाय बाय कर दिया हमको निकल रही है ट्रेन हम पहुंच चुके हैं बाबा लक्ष्मण दास पुरी ऐसे टाइम पे बैठे जब सारे बिल्कुल पास में आई है तो करके बैठे देखो ट्रेन ने छोड़ दिया लेट पहुंचा चलो भाई एकदम तैयार है ये देखो भाई भीड़ क्या क्राउड है भाई ये देखो देखो भाई नीम करोरी पहुंच चुके हैं देखो नीम करोरी में क्राउड देखो भाई बाबा लक्ष्मण दास भाई देखो नीम करो देखो भाई साहब क्राउड भाई नीम करोरी बाबा के मंदिर का चलो भाई दर्शन हो गए अब निकलते हैं बाहर देखते हैं और मंदिर है तो दिखाएंगे अभी बाहर की ओर चलते हैं भाई बोलो जय बाबा नीम करोरी।
चलो भाई छोले भटूरे खाते हैं, सब हंगरी हो गए। तो भाई साहब हम लोगों ने दर्शन वर्शन कर लिए, अब एक आ रही है सुपर फास्ट ट्रेन, उसका नाम है वडोदरा गोरखपुर, बहुत स्पीड से आ रही है। सफर भी बोरी हो रहे थे, तो कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पर? बहुत बढ़िया। तो देखो अभी चलते हैं भाई गाड़ी। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, क्रॉसिंग होगी यहीं पर, गोरखपुर वडोदरा स्पेशल, जो पिछली बार नहीं दिखा पाए थे ना, तो अभी दिखा देते हैं भाई। सामने मंदिर, ये रहा भाई सामने। चलो भाई दिखा देते हैं आपको गोरखपुर वडोदरा का क्रॉसिंग, क्योंकि बाबा लक्ष्मण दासपुरी को क्रॉस करेगी ये गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी क्रॉसिंग भी देखने को मिली हमको। देखो भाई दिखाते हैं अभी, ये देखो लोग काफ़ी ज़्यादा आनंद कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो भाई पीछे से आ रही गाड़ी। चलो भाई जे एन एल लगाइए बारा, नीचे है जे नीचे नीचे। चलो भाई पानी पीते हैं। तो भाई लोग आज न्यू क्रॉसिंग मिल गई गोरखपुर वडोदरा स्पेशल, जो कि वडोदरा से चलती है गोरखपुर जा रही है। और दिखाते हैं भाई शानदार क्रॉसिंग एट बाबा लक्ष्मण दासपुरी। स्पेशल गाड़ी है, स्पेशल है। बिल्कुल सेट। देखो भाई ओवरटेक। पटरी, तो देखो भाई पटरी को संभालने वाला जो ट्रैक मैनेजर होता है वो आया। देखो पटरियों को सेट करता है ये भाई। तो भाई इधर गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं हम लोग यार, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। 4:30 बजे ट्रेन है और भी टाइम हो रहा है भाई 2 बजे, करेक्ट 2 बज चुके हैं। देखो भाई गप्पे भाई भाई सेट किस पर है? चलो भाई पाए पर रख के खान के लिए कहीं गिर रही थी। रुक जा, हाँ बोलो 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 कैमरा बताइए कि पाए पर रख के पी रही हो पहले ना ये मेरी पूरी स्टिंग फैल गई भाई साहब। देखो मिट्टी में हो गई, मिट्टी में अभी तो हो गई है, वो अब कौन देखेगा उसको, ये रात है कोई मतलब ही नहीं बनता है गाइस। टपकी हो, चलो भाई अब ट्रेन आती है 4:30 बजे। अप्रोक्स कितने घंटे रह गए अभी? 2.5 घंटे अप्रोक्स हैं। 2:20 2:20 का टाइम है अभी, जब तक मैं नहीं करोगी में। देखो भाई मंदिर भाई भाई काफी आनंद आया यार, दर्शन हो गए भाई। अब थोड़े ही कुछ पल रह गए हैं पवित्र धाम से बाय बाय कहने के। देखो भाई बहुत पवित्र स्थान है ये, यहाँ बाबा जी ने एक कहानी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ बाबा जी ने गाड़ी रोक दी थी, इस वजह से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर गाड़ी जो रोक दी थी ट्रेन, तो इस वजह से दर्शन करने आते हैं। तो उन्होंने समाधि ले ली थी करोड़ी बाबा ने ना, समाधि ले ली थी इधर ही, समाधि ले ली थी इधर। बाबा को टीटी ने उतारा ट्रेन से वहाँ पर, और बाबा ने ट्रेन को रोक दिया था अपनी शक्तियों से, समझ रहे हो भाई। इस वजह से भाई ये पवित्र धाम हो गया स्टेशन का नाम।
नाम है बाबा लक्ष्मण दासपुरी। आगे एक स्टेशन है नीम करोरी, तो नीम करोरी वहाँ से दूर पड़ता है, यहाँ से सीधा पास पड़ता है। वो सामने रास्ता दिख रहा होगा आपको, ये रास्ता है ना, इधर से आते हैं। चलो भाई, आज हम लोग स्टेशन पे आ चुके थे और गाड़ी आ रही है, अब सीधे मिलते हैं मैनपुरी जंक्शन पे, ठीक है। चलो भाई, गाड़ी आ चुकी है। हमने दिख रही है भाई अराइवल दिखा के, सीधे चलते हैं मैनपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखो भाई भीड़, जय खाली है, आजा आजा भाई भाई, चलते हैं जल्दी। Next sound. ये खड़ी है अपनी गाड़ी गाइस, पहुंच चुके हैं मैनपुरी जंक्शन। चलते हैं यार, उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया होगा। ओए साला लाइक कमेंट शेयर मत करो यार। बाय बाय, जल्दी के पिटर भाई। जय बाबा। यहां पे आ रही है सुखाबाद कासगंज, रुकेगी तब इसको डिपार्चर मिलेगा हमारी ट्रेन में गाइस, WAP-4 के साथ इज्जत नगर का WAP-4। कासगंज बरेली सिटी, आई लव यू बाबू। हाय हाय, क्या होंटिंग है भाई, कहाँ रुकी? ट्रैक साउंड देख, ट्रैक साउंड कहाँ से आता है। चलो भाई चलते हैं घर पर भाई, लास्ट क्रॉसिंग थी हमारी।